बता दें महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन के बाद आए दिन कुछ न कुछ नया देखने को मिल रहा है। इस समय महाराष्ट्र से एक ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है जिसको लेकर महाराष्ट्र में भूचाल आया हुआ है और सियासी हलचल भी बढ़ गई है। दरअसल आपको बता दें शिवसेना यूबीटी के नेता और पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे पटना में बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से मुलाकात करेंगे। यह खबर आते ही अब बिहार के सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। मुलाकात के मायनों को लेकर नजरें टिकी हैं कि दोनों युवा नेताओं की इस मुलाकात पर क्या कुछ होने वाला है। आदित्य ठाकरे और तेजस्वी यादव की होने वाली मुलाकात को लेकर यह खबर अभी आज सामने आई है। इधर आदित्य ठाकरे के मीडिया सलाहकार हर्षल प्रधान के अनुसार आगामी बैठक राष्ट्रीय जनता दल के नेता के लिए एक शिष्टाचार भेंट होगी। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे, साथ पार्टी के दो सांसद, पार्टी सचिव अनिल देसाई और उपनेता प्रियंका चतुर्वेदी और अन्य पदाधिकारी बैठक में शामिल होंगे। हालांकि यहां पार्टी के नेताओं ने यह टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है कि क्या बैठक के लिए कोई राजनीतिक एजेंडा तय किया गया है, क्योंकि वीर सावरकर पर हाल के विवाद को लेकर शिवसेना यूबीटी वर्तमान में महाविकास आघाड़ी सहयोगी कांग्रेस के साथ एक चट्टानी पैच का अनुभव कर रही है। इस बीच शिवसेना यूबीटी के मुख्य प्रवक्ता संजय राउत ने संकेत दिया है कि वह कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में बाद के चरण में शामिल होंगे। शायद इनके जम्मू और कश्मीर दौरे के दौरान राउत के जेल से रिहा होने के कुछ दिनों बाद को चिंतित राहुल गांधी ने उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछने के लिए फोन किया और कहा कि वह शिवसेना यूबीटी सांसद के लिए चिंतित है। वही चर्चा ये भी है कि विपक्षी एकता को मजबूत करने और बीजेपी के साथ अपनी लड़ाई तेज करने को लेकर शिवसेना के युवा नेता आदित्य ठाकरे यहां मुलाकात कर रहे हैं। बता दें कि आदित्य ठाकरे युवा शिवसेना के अध्यक्ष हैं और पिछली महाविकास आघाड़ी सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं।